my Nvidia and my father is just a 5,000 distance. So I did class in 7. So today my topic is set is a collection of destiny objects or symbols. These objects are called its member of elements. यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सैम्पल्स. दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स ऑफ सेट. सो इस सेट में अब यहाँ पे कलेक्शन और डिस्टिंक्ट जो है वो यूज किया गया है. और जो कलेक्शन की मीनिंग है, कलेक्शन में हमारे पास आ जाता है कि जैसे जिस चीज़ को हम पूरे तरीके से बयान कर सकें कि ये हमारा बयान हो रहा है. जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए टू set is our 5 natural numbers. ये जो है ये बयान हो रहा है. क्या हो रहा है? बयान हो रहा है. सेट इज अ 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब हमारे कुदरती 5 नंबरों का सेट. ये हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा कलेक्शन. अब दूसरा हमारा वर्ड है डिस्टिनी. डिस्टिनी का मतलब है डिफरेंट और डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ. सो जो हमारे पास सेट मौजूद है, जैसे हमारे पास मेरे पास बी सेट मौजूद है, उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3. तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं ये डिफरेंट है, ये डिस्टिनी है. 2, 1 से अलग है और 1, 3 से अलग है और 2, 3 से अलग है. तो इसलिए हमारा डिस्टिनी है. अगर हमारे पास बी सेट हो और इसमें मौजूद हो 2, 2, 3, 1, तो हमारे पास ये नॉन डिस्टिनिक ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो 2 दफ़ा रिपीट किया गया है. तो इसलिए नॉन डिस्टिनिक ऑब्जेक्ट्स होगा. और जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैपिटल लेटर्स से करते हैं. किससे करते हैं? कैपिटल लेटर्स से करते हैं. ऐसे नहीं होता कि हमारे पास एक सेट है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करें या अलिफ से करें, बे से करें. नहीं, हम उनको बस कैपिटल लेटर से शो करते हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के नाम है.